अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे जितने भी ख्वाब होंगे। हमें है भरोसा, हमें यकीन है, हम एक दिन कामयाब होंगे। गले लगाएंगे बिटिया। जी अम्मी। कहाँ जा रही है? लता के यहाँ, अभी आती हूँ। अरे सुन तो सही, जरा लता से ये भी पूछना कि उसके स्कूल में दाखिला हो रहा है या नहीं। क्यों? अरे तू कह रही थी ना कि तुझे पढ़ना है। तेरे अब्बा मुझसे पूछ रहे थे। और गांव वाले, उनसे पूछ लिया आप? ओहो, पहले लता से तो पूछ कर देख। नहीं अम्मी, जब इस गांव में स्कूल जाने का चलन है ही नहीं तो। तू अपना दिमाग क्यों लड़ाती है? अम्मी आप तो गांव वालों का मिजाज जानती हैं, फिर अनहोनी करने पर क्यों तुली हैं? जीनत बिटिया देख, मुझे तेरा ख्याल है ना, और फिर जहाँ तेरा रिश्ता हो रहा है वो लोग पढ़े लिखे हैं जीनत। अम्मी ऐसी जगह रिश्ता चला ही क्यों नहीं? इसे अलमिया ही कहा जाएगा कि ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले गांव में जदीद तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती, और शायद पिछड़ेपन की वजह भी यही है। जिला बागपत के टांडा गांव के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। बजाहिर कोई स्कूल नजर नहीं आ रहा है, शायद गांव वालों को इसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। मदरसे की तालीम और तरबियत, दीनी पढ़ाई बेशक जरूरी है, लेकिन इसे जदीद तालीम के निजाम से मुंसलिक करना भी इससे ज्यादा जरूरी है, तभी कोई आबादी धारे में शामिल हो सकती है। मेहमान देख, तेरी मासूम का बड़ी जच रही है। हाँ यार, अपने हुस्न पे ज्यादा ही इतराती है। जब से शहर में रिश्ते की बात चली है कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई है। लेकिन सलीम कुछ भी हो जाए मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। चुप रहो यार, वो इधर ही आ रही है। अब बताओ, आने दे, हम क्या डरते हैं इससे। कहाँ जा रही है जीनत? क्यों, तुम्हें बताना जरूरी है? इस हुस्न पे ना इतना गुमान कर, ये हुस्न दो दिन में ढल जाएगा। ये गाना अपनी बहन को जाके सुनाना। क्या बोली तू? हाँ दोबारा बोलना, क्या बोली? जो तुमने सुना। जाओ जीनत जाओ, उसका तो दिमाग खराब। तुम अपनी ठाकुरगिरी क्यों दिखाता बे? है जब वो तुम्हें घास नहीं डालती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? देख रमेश, ये हमारा जाति मामला है। जीनत तेरी बहन लगती है क्या? सलीम इसको समझाओ यार, ये पागल हो गया है। तुम भी क्या करते हो रहमान? उस लूनी ने टकासा जवाब दे दिया और तुम रमेश से लड़ पड़े? अरे यार, ये गांव का ठाकुर बना फिरता है, इससे मालूम नहीं मैं भी पठान हूँ? पठान, और ये पठानों की बस्ती है, समझा? उसका बाप तुम्हारे बाप से धाकड़ा है, ये मत भूलियो। तू कहना क्या चाहता है? छोटी छोटी बात पे ठाकुर और पठान का ताना मत दिया कर। यहाँ कौन पठान नहीं है, मैं भी पठान हूँ। रमेश हमसे बढ़कर होगा तुम्हारे लिए? अमा यार तुम जाओ अपने घर, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते। लता है? बहुत दिन पर सहेली की याद आई, वो अंदर ही है। तुम ठीक हो ना? क्या बात है बेटी, तुम कुछ गुस्से में हो? कुछ नहीं चाचा। हाँ मैं समझ गया, फिर वही लफंगे मिल गए होंगे रास्ते में। क्या बताएं बेटी, जब पढ़ना लिखना नहीं है तो ये आवारागर्दी ही करेंगे। जाओ तुम अंदर जाओ। लता देखो तुम्हारी सहेली आई है, जाओ जाओ जाओ।
अरे जीनत तुम बैठो ना। अरे तुम्हारे चेहरे इतना सुर्ख क्यों है? क्या किसी से लड़कर आ रही हो? नहीं बस जरा धूप तेज हो रही है इसलिए। अब तुम बताओ स्कूल जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। जीनत तुम भी एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? बागपत वाले स्कूल के प्रिंसिपल से पापा की जान पहचान है, अब भी तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। अम्मी भी यही कह रही थी लता, लेकिन तुम तो जानती हो ना यहाँ का माहौल। जानती हूँ, ये माहौल इसलिए है क्योंकि तुम लोगों में हिम्मत नहीं है। गांव वाले क्या कर लेंगे? लता कहना आसान है, माहौल को बदलना आसान नहीं। मेरी तो समझ में बात नहीं आती, ये बताओ क्या तुम्हारे धर्म में भी इसी तरह का माहौल है? इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जो धर्म की बातें करते हैं। खैर तुम बताओ, तुम्हें बागपत जाने में कोई परेशानी तो नहीं आती? परेशानी कैसी, आराम से जाती हूँ आराम से आती हूँ। स्कूल में भी कोई परेशानी नहीं, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, स्कूल में भी घर जैसा माहौल है। क्या लड़के भी साथ पढ़ते हैं? हाँ। तुम्हें छेड़ते भी हैं? लड़के तो हर जगह छेड़ते हैं, वो चाहे गांव हो या शहर, पढ़े लिखे हो या जाहिल, लेकिन स्कूल कॉलेज का माहौल जरा अलग होता है। साथ साथ पढ़ते हैं तो मर्यादा का ख्याल भी रखते हैं। तुम स्कूल जाओगी तो खुद ये फर्क महसूस करोगी। तुमने गांव का माहौल देखा है ना, इसीलिए घबराती हो। मैं तुम्हारे एडमिशन के लिए कोशिश करूंगी, पापा से भी कहूंगी, हम साथ साथ आए जाए करेंगे, बस तुम अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। तुम खुशनसीब हो जीनत कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, जबकि वो जानते हैं कि समाज आड़े आएगा और आगे चलकर मुखालिफत का सामना भी करना पड़ सकता है। अब तुम्हें हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाना है, उनके सपनों को पूरा करना है, और ऐसा करने वाली तुम गांव की पहली लड़की होगी जीनत, पहली लड़की। हमने सुना है अशफाक तुम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बागपत भेज रहे हो। जी वो पढ़ना चाहती है इसलिए उसे मैंने स्कूल में दाखिल करा दिया। अपने प्रभु दयाल जी की बेटी लता वो भी जाती है, उसके साथ जीनत भी चली जाती है। तुम तो पूरी हिस्ट्री सुनाने लगे, हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये कदम उठाने से पहले तुमने हमसे मशवरा क्यों नहीं किया? अरे मौलाना साहब, इससे ये तो पूछिए कि जब गांव में मदरसा मौजूद है तब ये अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर क्यों भेज रहा है? खफ्फार साहब ठीक कहते हैं, ये यहाँ के मुदर्रिस हैं, मदरसा चलाते हैं, पढ़ाते हैं, कुरान और हदीस के आलिम हैं, भला इनसे बेहतर तालीम तुम्हारी बेटी को स्कूल वाले दे सकेंगे? जी आप बजा फरमाते हैं, उर्दू अरबी तो वो पढ़ी लेती है, शौक में हिंदी भी सीख गई, तो मैंने सोचा उसे थोड़ी तालीम और दिलवा दूं। तुम्हारे सोचने से क्या होता है, आखिर इस गांव का अपना मिजाज है, अपना माहौल है, तुम भी तो इसी गांव के हो। इससे पहले किसी मुस्लिम घराने की लड़की ने पढ़ने के लिए इस गांव से बाहर कदम रखा है? अरे भाई हमसे ना सही, कम से कम मौलाना साहब से ही मशवरा कर लिया होता, ये यहाँ के इमाम हैं। जनाब जहाँ जीनत के रिश्ते की बात चल रही है ना, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके खानदान की लड़कियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए जीनत। अव्वल गो तुम ये रिश्ता भी अपनी मर्जी से कर रहे हो, हमसे सलाह नहीं की है? छोड़ो हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब जो तुमने ये कदम उठाया है इससे पूरे गांव का माहौल बिगड़ेगा। इससे माहौल बिगड़ेगा, वो कैसे? अरे भाई तुम्हारी बेटी की देखा देखी दूसरी मुसलमान लड़कियां भी शहर की तरफ चलने लगेंगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी बेटी का बागपत जाना बंद करा दो।
अभी उसे जाते 2 दिन भी नहीं हुए, बड़े शौक से जाती है वो। अब उसके दिल पे क्या गुजरेगी? तुम्हें अपनी बेटी के दिल की पड़ी है। अरे मुस्लिम मुआशरे में क्या खराबी पैदा होगी इसका अंदाज है तुम्हें? मुस्लिम समाज की यह सबसे बड़ी विडंबना है और यही तालीमी पिछड़ेपन का सबब भी है। आज भी ऐसे गांव, ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां मदरसे और मकतब से आगे देखना और सोचना जरूरी नहीं समझा जाता। जो लोग इल्म के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, क्या वो राहे हक पर हैं? क्या इल्म का दायरा इतना तंग है कि उसमें लड़कियों के लिए तालीम और तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं? हमारे उलेमा हजरात का ये फर्ज है कि वो बदलते हुए जमाने के साथ मुस्लिम समाज को बदलने के बारे में संजीदगी से गौर करें। अबू, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। जरूर किसी ने कुछ कहा है, बताइए। बेटी, दुख इस बात का नहीं कि लोग हमें क्या कहते हैं, दुख तो इस बात का है कि लोग तुम्हें निशाना बनाते हैं। तुमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या बात है, बताओ तो सही। लोग नहीं चाहते कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं, लिखाएं। कौन है वो, जरा बताओ तो सही। ये वो लोग हैं जो नेक अमल करने का दावा करते हैं और नेकी की नसीहत देते हैं। अब किस किस का नाम लूं? उन्हें ऐसा कहने दो, उनका बस चले तो वो दूसरों का रास्ता चलना तक भी उभर कर दे। हमारी बेटी पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी, जाकर बोल दो उन्हें। मैं भी आई अब्बू, अस्सलामु अलैकुम। ये कौन लड़की है? ये अशफाक खां की बेटी है। जी, मैं अशफाक खां की बेटी हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाना चाहते हैं। मैं पढ़ूंगी, अलबत्ता अगर आप ये बता दें कि इस्लाम में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की मनाही की गई है और उन्हें जाहिल बनाकर रखने का हुक्म दिया गया है, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। जानती हो किससे बात कर रही हो? ये यहाँ के इमाम साहब हैं और मैं यहाँ का मुदर्रिस हूँ। मैं जानती हूँ, मैं तो यहाँ ये जानने आई हूँ कि कुरान में, हदीसों में लड़कियों की तालीम के बारे में क्या कहा गया है। देखो, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो, ये कोई अंग्रेजी स्कूल कॉलेज का माहौल नहीं है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि स्कूल कॉलेज के माहौल में ऐसी क्या बुराई है जो आप हम लड़कियों को वहाँ जाने से रोकते हैं। ये कोई पूछने का तरीका नहीं है, अदब और तमीज में रहकर बात करो, पूछने के लिए अपने बाप को भेजो। मैं तो ये आरजू लेकर आई थी कि आपसे कुरान और हदीस की बातें सुनूंगी,
जान लूंगी कि अल्लाह इल्म के बारे में क्या कहता है और उसके प्यारे नबी क्या फरमाते हैं। आपने ही हमें मदरसे में बताया था कि लड़कियों को समाज में क्या दर्जा और मुकाम दिया गया है। मैं भी जानती हूँ कि हुजूर ने फरमाया है कि जो शख्स लड़कियों की वजह से आजमाइश में डाला जाए और वो उस पर पूरा उतरे, उसकी पूरी तरह तरबियत करे, तो वो जहन्नुम की आग से महफूज रहता है। तुम गुस्ताखी करने पर तुल ही गई हो तो कान खोल कर सुन लो। अशवाक का भला इसी में है कि वो करे जैसा उसे कहा गया है। मेरे अब्बा, मेरी तालीम और तरबियत की वजह से आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपको माफ कर दे। इमाम साहब से ज़बान लड़ाई? उन्होंने तुम्हें गुंडागर्दी के लिए भेजा है? एक मिनट में सारी अकाउंट निकाल दूंगा। क्यों? तुम्हारा राज चल रहा है यहाँ? ज़िनत! कौन है ये? इसे देखकर खुद ही अंदाजा लगा लो कि कौन हो सकता है। बदमाश मवाली! क्या कहा तुमने? हट पीछे! ये गांव के बाहर का इलाका है, शोर मचाऊंगी ना तो इतने जूते पड़ेंगे कि सिर से इश्क का भूत उतर जाएगा। भाई साहब आप चले जाइए। भाई साहब नहीं, हाँ जानता हूँ तुम, प्रभु दयाल की बेटी हो ना लता, हाँ ये हमारे आपस का मामला। आपस का मामला? अभी चप्पल उतार के पता चलेगा क्या आपस का मामला। जीने क्या कर रही हो? बस आने वाली है। तेरे नखरे तो मैं गांव में जाकर ढीले करूंगा। अरे गांव में तो चप्पल दिखाऊंगी। देख लूंगा तुझे। इस तरह गुंडों से पेश मत आओ, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे कहाँ के गुंडे? डर डर कर हमने इन्हें शेर बनाया हुआ है। देखा नहीं कैसे दुम दबा कर भाग गया? आज मैंने पहली बार तुम्हारा ये रूप देखा जीनत, लेकिन इतने खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। नहीं लता, तुम नहीं जानती, ये अक्सर मुझे छेड़ा करता है, लेकिन इसे मजा तो जरूर चखाऊंगी, जरूर चखाऊंगी मजा। देखिए, आप लोगों को ये तो मालूम हो ही गया होगा कि अशफाक की बेटी ने हम लोगों से किस कदर बदतमीजी की है। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप और इमाम साहब जो फैसला करें। कैसा फैसला? अरे उस लड़की ने जो कुछ कहा है उस पर गौर करने की जरूरत है। तुम कहना क्या चाहते हो लिखा? आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन असल मामला यहाँ तालीम का है इमाम साहब। अगर वो लड़की पढ़ना चाहती है तो इस पर एतराज क्यों? तुम उस लड़की की बदतमीजी और बेशर्मी को जायज ठहरा रहे हो? अरे भाई, अली रजा उस मदरसे से फारिग हैं जहां हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, इसलिए इनकी सोच शहरी है। लेकिन ये तो गांव का मामला है और फिर ये पठान बिरादरी का मामला है भाई। तो फिर आपने मुझे यहां बुलाया ही क्यों? बेशक मैं पठान बिरादरी का नहीं हूं, लेकिन मैंने भी मदरसे में वही कुरान हदीसें पढ़ी हैं जिन्हें आप से पढ़ते हैं। अली रजा सुनो, आपस में हम दीनी भाई हैं। मैंने तो आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि अशफाक की बेटी गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाने लगी है, जबकि अशफाक से कहा गया था कि वो अपनी बेटी का बागपत जाना बंद करा दे, लेकिन उसके बावजूद उसने ऐसा नहीं किया।
अरे भाई वो लड़की रहमान पर भी चप्पल उठाने लगी है जबकि रहमान पठान बच्चा है, आखिर कब तक बर्दाश्त करें हम? जहाँ तक रहमान की बात है तो उसने गांव की किस लड़की को नहीं छेड़ा है, अरे उसने तो मेरी बीवी तक पर फिक्र कसे है। खैर इस पठान बच्चे की खसलत से आप सभी वाकिफ है। और अब रही अशफाक साहब की बेटी की बात, तो मेरी जाती राय यह है कि उसने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही है जिसकी वजह से उसके बाप के खिलाफ मीटिंग बुलाई जाए। अरे उसने कोई गलती नहीं की, अरे उसने इमाम साहब से जुबान दराजी की, मुझसे बदतमीजी की, और आप फरमाते हैं कि उसने कोई गलती नहीं की। देखिए वो अभी नासमझ बच्ची है, आपने उसके बाप को लान तान किया होगा तो उस पर वो रिएक्ट कर गई होगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम सबको मिलकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। प्रभु दयाल की बेटी और बेटे के साथ वो बागपत जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी गांव के भाई बहन हैं। देखिए आप इस्लाम की रूह से किसी की तालीम पर बंदिश नहीं लगा सकते। मैंने भी कुरान हदीस हिंदी अंग्रेजी साइंस पढ़ी है, मैं रोजे रखता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ। अरे तुम अपने डिग्री डिप्लोमा अपने पास रखो। मुश्किल ये है कि आप सुनना पसंद नहीं करते। आपने कुरान पाक में सूरह 16 यानी सूरह नहल पढ़ी होगी, उसकी 97वीं आयत में अल्लाह ने नेक अमल का जिक्र किया है। उसने कहा है कि जो शख्स भी नेक अमल करेगा, हाँ वो मर्द हो या औरत, हम उसे दुनिया में भी बाकी सारी जिंदगी देंगे और उसके बाद भी नेक अमल का सिला देंगे। अब हम आप किसी औरत को समाज के दुनिया के धारे से अलग करने वाले कौन होते हैं जब अल्लाह ने उसे अलग नहीं किया? तुम तो इस तरह समझा रहे हो जैसे हम जानते ही नहीं। हाँ हाँ लेकिन शर्म हया तमीज भी तो कोई चीज है। ये तो हमने आपने पैमाने बना लिए, हमें बदलते हुए जमाने और हालात के साथ बदलना होगा, तभी मुस्लिम समाज तरक्की कर सकता है, वरना जहालत तो मुसलमानों का मुकद्दर बन चुकी है। यहाँ तो बैठक का मकसद ही फौत हो गया, लेकिन अशफाक का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। खैर हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है आप चर्चा करें, मैं चलता हूं। लेकिन खुदा के वास्ते जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें, वरना हम सब की पकड़ होगी। खुदा हाफिज। देखिए ना आपने तो कुछ लिया भी नहीं, लीजिए ना। अच्छा थोड़ा सा तो ले लीजिए। भाई खातिरदारी तो बहुत हो गई, अब हमें हमारी बहू भी तो दिखा दीजिए। देखिए जीनत तो अब आपकी ही बेटी है, जी भर कर देखिएगा। हमारी बच्ची लाखों में एक है, बहुत ही सुशील और सुगढ़ है, ऐसी बहू पाकर आप खुश हो जाएंगी। तो चलिए फिर दिखा दीजिए। आइए अंदर आइए। चलिए बेशक आपकी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। हाँ लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। वल्लाह तुम तो बहुत सलीकेमंद हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, कहाँ तक तालीम हासिल की है? अभी तो पढ़ रही है, बाकी पढ़ाई शादी के बाद कर लेगी। हाँ अच्छा किस कॉलेज में हो? अब यहाँ कॉलेज और स्कूल कहाँ, आपको तो मालूम ही होगा। हाँ मदरसे में दीनी तालीम मुकम्मल कर ली है और बागपत स्कूल भी जाने लगी है। अब स्कूल जाने लगी है? हाँ स्कूल जा रही है, और ये लता भी कह रही थी कि पढ़ने लिखने में काफी तेज है। यानी आपकी बेटी अनपढ़ है? ऐसा मत कहो बहन, हाँ? उर्दू लिख पढ़ लेती है और अखबार भी पढ़ती है, रोजे नमाज की भी पाबंद है मेरी बिटिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में तो इन्हें इंटरमीडिएट या फिर डिग्री कॉलेज में होना चाहिए था। आपके घर में जाएगी तो उसी माहौल में ढल जाएगी, बहू ऐसी होनी चाहिए जो घर बार संभाल सके, सबका ख्याल रख सके,
और हमारी जीनत में ये सब गुण मौजूद हैं। मेरा बेटा एक बड़ी पोस्ट पर है, अफसर है, पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्लीट करके आया है। उसके मरहूम वालिद आईपीएस ऑफिसर थे, उसका बड़ा भाई इंजीनियर है और मेरी बड़ी बहू दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। हाँ, हमने एक खूबसूरत बहू की बात कही थी, लेकिन हम तो तालीम याफ्ता बहू चाहते हैं। देखिए, ये हमारी और हमारे गांव की इज्जत की बात है, हम पर भरोसा रखिए। आप जैसा कहेंगी जीनत वैसा ही करेगी। हाँ। क्यों चाची, जीनत क्या चाबी की गुड़िया है कि जैसे चाहेंगे घुमा देंगे? जीनत, तू खामोश रह। नहीं अम्मी, ये आपको बहुत शर्मिंदा कर चुकी, आप कोई और तालीम याफ्ता बहू ढूंढ लीजिए। आपका बेटा जो भी हो, मुझे आपके घर में रिश्ता मंजूर नहीं। बहुत दुख पहुंचा चुकी आप हमारी अम्मी को, बस चली जाइए यहां से। तुम तो आपकी नजर में मैं जाहिल हूं, अनपढ़ हूं, मगर जैसी भी हूं इसकी सजा मैं अपने माँ बाप को नहीं देने दूंगी। तशरीफ ले जाइए। ये क्या कह रही है? रुक जाइए, छोड़िए मुझे। चलिए, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए। क्या हुआ? अपनी बेटी से जाकर पूछिए। देखिए, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो गई तो मैं माफी मांगता हूँ, मगर इस तरह छोड़ कर मत जाइए। आपकी बेटी चांद का टुकड़ा जरूर है, मगर उसमें जहालत का दाग है। चलिए हामिद मियां, खड़े क्यों हैं? चलिए ना। हिम्मत से काम लो अशफाक मियां, हौसला रखो। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बेटी की गर्ज भर की जुबान है, पूरे गांव की नाक कटा दी उसने। आखिर हुआ क्या? हुआ क्या, उसने उसने खुद अपना रिश्ता तोड़ दिया। खुद रिश्ता तोड़ दिया? उन्हें कॉलेज की पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था, इसके आगे क्या बात रह गई थी? मैं पढ़ी लिखी हूं या नहीं, उन्हें इसका पता लगा कर आना चाहिए था। आखिर आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। अगर ऐसा है तो वो लोग ये रिश्ता नहीं करते। समाज के ठेकेदारों सोचो, फिजा भला क्यों घुटी घुटी है, ऐ जमाने के साथ बदलो कि अब नहीं नस्त जाग उठी है।